हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको पालक और छोले की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। फ्रेंड्स, ये छोले हमने रात को भिगो लिए थे, अब इनको बॉईल करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी यूज करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज करेंगे। अभी फ्रेंड्स, इसमें हमने दो मिर्ची ली हैं, इसको मोटी मोटी काट लेंगे। और फ्रेंड्स, इसको काटने के बाद हम इसमें पांच सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक इसमें पांच सीटी लगती हैं, एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें हम पालक बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, पालक हम हाई फ्लेम में अगर बॉईल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, ये बॉईल हो चुका है पालक, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, पालक अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसको हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, हमने पालक छान लिया है और एक हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम ऑयल यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, या फिर आप बटर या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने एक काली मिर्ची और लौंग ली है, और उसके बाद जीरा। हम जीरा को होने के बाद हम लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लहसुन डालेंगे। लहसुन को धीमी आंच में पकाएंगे। फ्रेंड्स, धीमी आंच में पकने के बाद क्या, इसका जो फ्लेवर होता है काफ़ी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर लहसुन आप स्किप करना चाहें, स्किप भी कर सकते हैं। अगर हमने लहसुन इसलिए यूज़ किया है, इसका जो फ्लेवर होता है काफ़ी अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन सुनहरा हो चुका है। हम इस पर अब प्याज और हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे। इसको हम चलाते रहेंगे। फिर हमने इसमें टमाटर स्किप किए हैं, अगर आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। तो अगर टमाटर डालते हैं ना, तो इसमें जो फ्लेवर, लहसुन का फ्लेवर दब जाता है। फ्रेंड्स, हमने जो पालक बॉईल किया था, छाना था ना छन्नी में, आपने देखा होगा अभी, उसको हम पालक को अब थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद पास ही बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो अपडेट हो, उससे उसके हम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, ये पक रहा है, अब इससे हम मैश करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए आप, अगर हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं, तो छोले और इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, छोले अलग हो जाएंगे और पालक अलग हो जाएगा। अगर हम इस तरह से मैश करते हैं फ्रेंड्स, तो पालक और छोले कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा और सब्ज़ी टेस्टी भी लगती है। वैसे भी फ्रेंड्स, वैसे भी टेस्टी लगती है, पर लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक यूज किया है हमने। फ्रेंड्स, नमक हमने पहले भी यूज किया है, आप ध्यान रखिए कि नमक ज़्यादा यूज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। फ्रेंड्स, हमने गरम मसाला यूज़ किया है, आप चाहो तो सब्जी मसाला भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास कोई घर पे बना हुआ मसाला है गरम मसाला, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें हमने जो छोले बॉईल किए थे ना, उसका जो पानी है जो बचा हुआ है, वो यूज करेंगे इसमें। वैसे एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करेंगे, उसी का पानी यूज करेंगे हम, जो हमने अभी मसाला डाला है उसके साथ अच्छी तरह पक के मिक्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए, अब इनने साइडों से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, साइडों से ऑयल छोड़ दिया इसने। हम इस पे अब डालेंगे छोले। फ्रेंड्स, ये छोले बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरह से, देखिए।
फ्रेंड्स, आप पालक और छोले की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमको भी आपसे नॉलेज मिल सके। अगर आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्ज़ी देखिए फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ऊपर से धनिया डालेंगे और सर्विंग करेंगे। फ्रेंड्स इसको हम देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर सर्विंग की, कितनी अच्छी लग रही ना फ्रेंड्स। अगर हम इसको ग्राइंडर करते उसके बाद बनाते तो वो शायद अच्छी नहीं लगती इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।